हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हमेशा से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अभी चल रहा है वैलेंटाइन का वीक और वैलेंटाइन पे सबको चॉकलेट्स गिफ्ट करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और यमी और बहुत ही सुंदर दिखने वाली चॉकलेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये नॉर्मल चॉकलेट नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक तो ये देखने में बहुत सुंदर है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि इसके अंदर फिलिंग है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिलिंग वाली चॉकलेट सिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से इसके अंदर मैं तीन तरह के फ्लेवर्स आज आपको बता रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही एक्सक्लूसिव चॉकलेट है। अगर बाजार में आप ये खरीदने जाएंगे तो आपको 1200 से 1500 रुपए इसके लिए पे करने पड़ेंगे, लेकिन आज मैं बहुत ही सस्ते तरीके से आप इसको घर में कैसे बना सकते हैं ये बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज 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 लाइक का बटन जरूर से जरूर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी बनाएं और अपना वैलेंटाइन इंजॉय कर सके। और फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये लाल बटन दबा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने 200 से 250 ग्राम के करीब यहाँ पे डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। और यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया है, ये मैंने 60 ग्राम्स के करीब लिया है और इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये अभी हम साइड में रख देते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे देखिए 50 ग्राम्स के करीब क्रीम ली है और ये हैवी व्हिपिंग क्रीम है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से मोल्ड्स लिए हैं जो चॉकलेट्स के बनाने के लिए काम आते हैं। ये सिलिकॉन मोल्ड हैं और मैं सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, अगर आपको परचेज़ करने हैं तो वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, और चॉकलेट्स का भी लिंक मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने रोज़ और हार्ट शेप के लिए हैं, दोनों मोल्ड लिए हैं। ये सिलिकॉन वाले मोल्ड्स थे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस तरीके के प्लास्टिक मोल्ड्स भी ले सकते हैं, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए पहले शुरू करते हैं फिलिंग्स बनाना। तो उसके लिए मैंने जो 50 ग्राम्स के करीब क्रीम ली है, हैवी व्हिपिंग क्रीम ली है, इसको मैं एक बोल में डाल दूंगी और इसको हम बिल्कुल धीमी आंच पे गैस पे चढ़ा देंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे वाइट चॉकलेट। तो यहाँ पे 60 ग्राम के करीब मैं वाइट चॉकलेट इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको अभी हम मिक्स कर देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हमको मेल्ट करना है, जब तक कि हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है। कंटिन्यू मिक्स करते रहिएगा, नहीं तो जल जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चॉकलेट बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने इसको बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए पकाया और चॉकलेट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, कंटिन्यू मिक्स किया है। तो अभी हम गैस को कर देंगे बंद और इसको दो कटोरियों में सेपरेटली निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने दो कटोरियाँ ले ली हैं और मैं तीन तरह के फ्लेवर्स आज आपको बता रही हूँ चॉकलेट्स में फिल करने के लिए। तो यहाँ पे दो कटोरियों में मैंने निकाल लिया है, देखिए बराबर बराबर तीन हिस्सों में मैंने बांट लिया है। एक मैं बाउल में ही रख रही हूँ और दो इस तरीके से कटोरियों में निकाल लिया। तो एक में मैं ऑरेंज फ्लेवर का जो है एसेंस डाल रही हूँ, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, 4 से 5 बूंद डाले हैं। और इसके अलावा देखिए, ऑरेंज का छिलका है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पे ऑरेंज का छिलका है जो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, हल्का सा कद्दूकस करके एक छोटे चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इससे फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी ऑरेंजी फ्लेवर आएगा इसके अंदर, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, कॉफ़ी का फ्लेवर बना रही हूँ दूसरा मैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच के करीब कॉफ़ी का पाउडर लिया है और इसके अंदर मैं बिल्कुल 1/4 चम्मच के करीब क्रीम मिला रही हूँ, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम कॉफ़ी उसके अंदर डाल देंगे मिश्रण में तो फिर दाने दाने हो जाएगा। तो ये देखिए, क्रीम में मिक्स करके उसके बाद हम इसको चॉकलेट वाले मिक्सचर में डालेंगे तो ये आसानी से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम कॉफ़ी वाला फ्लेवर की फिलिंग बना लेंगे और ये अभी लिक्विड ही लग रहे हैं, थोड़ी सी देर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये अच्छे से क्रीमी टेक्सचर वाली फिलिंग बन जाएगी, सेट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये दो फ्लेवर तैयार हैं। आइए अब तीसरा फ्लेवर बनाते हैं। तो तीसरा फ्लेवर फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ रम का। तो जो मैंने मिक्सचर बचाया था उसके अंदर ही एक चम्मच व्हिपिंग क्रीम और मैंने डाली है और इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के करीब डार्क चॉकलेट कंपाउंड है, उसके मैं पीसेस इस तरीके से डाल रही हूँ और बिल्कुल धीमी आंच पे गैस मैंने चालू की है।
और इसको हम मिक्स करेंगे और ये चॉकलेट को मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। फ्रेंड्स, रम फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो यहाँ मेरे पास रम फ्लेवर का ऑयल है जो कि चॉकलेट के अंदर फ्लेवर देने के लिए मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो यहाँ 7 से 8 बूंद के करीब रम फ्लेवर डाल रही हूँ इसके अंदर और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जो लोग रम कंज्यूम करते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और जो नहीं भी करते हैं उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। क्रीमी टेक्सचर आता है, डोंट वरी, इसके अंदर रम नहीं होता है, सिर्फ फ्लेवर होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरे पास तीनों ऑरेंज फ्लेवर और रम फ्लेवर और यहाँ पे मेरे पास कॉफ़ी फ्लेवर तैयार हो गया है। तो ये तीनों ही बहुत ही टेस्टी है, इनको फ्रिज में हम थोड़ी सी देर सेट होने रख देंगे, 10 से 15 मिनट। आइए देखते हैं जब तक चॉकलेट हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए वाइट कंपाउंड चॉकलेट पिघाल के रखी है, इसको मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए पिघाल लिया है, अच्छे से ये मेल्ट हो गई है। यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट है उसको भी मेल्ट कर लिया है अच्छे तरीके से माइक्रोवेव में। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं यहाँ पे इस कंपनी की कंपाउंड चॉकलेट है जो इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे रही हूँ, आप चाहें तो वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से स्लैब के रूप में मिलता है वाइट एंड डार्क कंपाउंड, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और ये सिलिकॉन मोल्ड मैंने ले लिया है हार्ट शेप वाला, पहले मैं आपको डिज़ाइनिंग बताऊंगी। तो इसके लिए आपका सिलिकॉन मोल्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ होना चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वाइट कंपाउंड चॉकलेट के अंदर ऑरेंज कलर मिक्स करके रखा है और इसको अभी हम डिज़ाइन देंगे। तो हम थोड़ा सा लेंगे और इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे, आप किसी भी तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप किसी भी तरीके से थोड़े थोड़े से निशान बना दीजिए। अभी आपको थोड़ा सा ये देखने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे चॉकलेट बन जाएगी तो उसके ऊपर बहुत अच्छे स्पॉट्स आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं चॉकलेट्स में, बहुत ही ईजी तरीका है ये। और इस तरीके से मैंने डार्क कंपाउंड से भी दे दिया है डिज़ाइन, इसको हम साइड में रख देंगे और इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रखना है। तो जो हार्ट शेप है उसको तो हमने कर दिया है, रोज़ वाले को भी हम कर देते हैं इस तरीके से। तो इसमें मैं वाइट चॉकलेट कंपाउंड से थोड़ा सा डिज़ाइन दे दूँगी और आप कलर कॉन्ट्रास्ट कर दीजिएगा, अगर आप वाइट से डिज़ाइन कर रहे हैं तो डार्क कंपाउंड उसके अंदर भरेंगे और अगर डार्क कंपाउंड से हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर वाइट कंपाउंड चॉकलेट भरेंगे। तो ये देखिए दोनों डिज़ाइंस हमारी तैयार हो गई हैं, इनको फ्रिज में हम सेट होने के लिए थोड़ी सी देर रख देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रिज में मैंने सेट कर लिया है 10 मिनट के लिए, ये देखिए तैयार हो गया है। तो आइए इसकी अब फिलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जिसमें डार्क कंपाउंड चॉकलेट भरा था, डिज़ाइन किया था, उसमें वाइट कंपाउंड चॉकलेट भर देते हैं और इसको इस तरीके से सारा भर के चारों तरफ इसको घुमाएंगे हम। ये देखिए इस तरीके से हम इसको चारों तरफ घुमाएंगे और अच्छे से हमारी कवरिंग हो जाएगी चारों तरफ से चॉकलेट की। और एक बार अच्छे से 1 मिनट के लिए घुमाने के बाद आप इसको खाली कर दीजिए, वापस जितना भी चॉकलेट एक्सेस है उसको निकाल के और बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद आपकी देखिए अंदर चॉकलेट के फिलिंग भरने के लिए जगह बन जाएगी। इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट भी अंदर भर लूँगी और उसको भी इसी तरीके से चारों तरफ घुमा के अच्छे से कवर कर लेंगे और उसके बाद देखिए इसको इस तरीके से खाली कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है करना, आप एक बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमारी जो चॉकलेट है वो फिलिंग भरने के लिए तैयार है। तो एक ट्रे हो गई है, अब हम दूसरी ट्रे को भी इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे और इस तरफ से देखिए चारों तरफ घुमा लेंगे भर के और उसके बाद हम इसको एक्सेस जो चॉकलेट है उसको खाली कर देंगे। तो दोनों ट्रे मैं इस तरीके से तैयार कर लूँगी और इसके बाद 15 मिनट के लिए इनको फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं, फ्रीज़र में अच्छे से सेट हो गई है। यहाँ पे मेरे पास तीनों फ्लेवर्स हैं जिनको मैंने इस तरीके से कोन में भर लिया है, चॉकलेट वाला फ्लेवर है और इसके अलावा कॉफ़ी वाला फ्लेवर है और ऑरेंज वाला फ्लेवर है। तो तीनों को इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा भर देंगे। तो पहले मैं कॉफ़ी फ्लेवर निकाला है मैंने, आगे से थोड़ा सा हिस्सा काट के कोन का और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी फिलिंग भर देंगे। और अगर आपका जो मोल है वो अच्छा डीप है तो अच्छी फिलिंग भी आपकी भर जाएगी। और इसके बाद देखिए ऑरेंज वाला फ्लेवर है वो भी मैं भर दूंगी और इसके बाद ये जो रम वाला फ्लेवर हमने बनाया है चॉकलेट के साथ वो भी हम भर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसको थोड़ा सा टैप करेंगे और ऊपर से जो है इसको कवर कर देंगे हम चॉकलेट्स के साथ। तो यहाँ पे हम डार्क कंपाउंड भर रहे हैं और वाइट कंपाउंड भर रहे हैं, वैसे ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप मिक्स भी कर सकते हैं दोनों को। तो इस तरीके से बाकी ये चॉकलेट से हम कवर कर देंगे ताकि अंदर जो फिलिंग है वो सील पैक हो जाए और इसको अभी हम फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए सेट होने रख देंगे। आइए दूसरी ट्रे भी भर लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने कॉफ़ी, ऑरेंज और रम फ्लेवर को अच्छे तरीके से जो मोल्स हैं उनके अंदर भर लिया है, अच्छी खासी क्वांटिटी आ गई है और कवर भी कर देंगे हम इस तरीके से ऊपर एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है हमारी लगा के। और इन दोनों को फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए सेट होने के बाद निकाल लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, निकाल दिया है मैंने चॉकलेट को और ये अभी हम निकाल के देखते हैं। बहुत ही टेस्टी और सुंदर सी चॉकलेट हमारी बनी है। तो थोड़ा सा आप पुश कीजिए इसको सिलिकॉन मोल को और ये देखिए, ये हमारी बहुत ही टेस्टी और सुंदर सी डिलीशियस सी और डिज़ाइन कितना प्यारा आया है, मेरे को बहुत सुंदर लग रही है। ये आप किसी को भी गिफ्ट करेंगे तो पसंद आएगी उनको। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है इनका। तो ये दोनों तरह के कलर्स वाली जो है चॉकलेट्स हमारी बन के तैयार है और बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही डिलीशियस लग रही है। एक्सक्लूसिव चॉकलेट है, फिलिंग वाली है, तीन तरह के इसके अंदर फ्लेवर्स हैं। फ्रेंड्स, आपको कौन सा वाला फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट्स का। तो आइए थोड़ा सा एक बार हम ओपन करके देखते हैं कैसी है अंदर से ये फिलिंग वाली चॉकलेट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने कट किया है और इसके अंदर आया है मेरे ऑरेंज फ्लेवर। तो एक सरप्राइज एलिमेंट भी है कि किस चॉकलेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है। आप चाहें तो थोड़ा निशानी भी बना सकते हैं, ऊपर से कलर्स अपनी चॉइस के दे सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट ही रखा है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये दूसरे के अंदर हमारे कॉफ़ी फ्लेवर निकला है। तो फ्रेंड्स, इसको देखिए इस तरीके से गिफ्ट पैक भी कर सकते हैं आप। ये देखिए इस तरीके से आप किसी भी डिज़ाइनर बॉक्स के अंदर इसको पैक कीजिए और बहुत ही सुंदर सी पैकिंग बना के आप अपने फ्रेंड्स को वैलेंटाइन को गिफ्ट कर सकते हैं और वैलेंटाइन डे को स्पेशल बना सकते हैं। ना सिर्फ वैलेंटाइन डे को, एनिवर्सरी, बर्थडे या फिर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके से चॉकलेट्स बना के उनको गिफ्ट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ 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 ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं आपके कमेंट्स का हमेशा से इंतजार करती हूँ, तो जल्दी कीजिए कमेंट्स में, इंतजार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी बना के इंजॉय कर सके। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं हमेशा से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, ये कुछ दूसरी रेसिपीज़ हैं हमारे चैनल की जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।